ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। नमस्कार, आप बिहारी न्यूज देख रहे हैं, मेरा नाम निशा ओझा है। मिलिए भोला मुर्मू से। ऐसे तो हमारे बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन जब कोई अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ले तो वो कमाल कर जाता है। बचपन से हाथ नहीं है, लेकिन जुनून में कोई कमी नहीं। भोला बिहार के पूर्णिया जिले के सिसवा गांव के रहने वाले हैं। बिजली का झटका लगा तो डॉक्टर ने हाथ काट दिया, लेकिन पेंसिल पकड़ना नहीं छोड़ा। दूसरों को चित्रकारी करता देख भोला उनको देखकर सीखने का प्रयास करने लगे और अब भोला पेंटर के नाम से जाने जाते हैं। जानिए एक ऐसी कहानी जो समाज के लिए एक मिसाल है, जिसने अपने हाथ खोने के बाद भी अपना हौसला नहीं खोया। एक कलाकार जो अपनी कलाकारी को हाथ ना होने के बावजूद भी दिखाता है। इनका हुनर और इनका जज्बा देखकर आप भी कह उठेंगे वाह। गरीब घर में पैदा हुए भोला, जिनको बचपन से ही पेंटिंग करने का शौक था, लेकिन जिस हाथ से वो पेंटिंग करता वो हाथ ही उसके पास नहीं रहा। सोचिए, जिस इंसान के पास दोनों हाथ नहीं है वो पेंटिंग कैसे करेगा। भोला ने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी, उन्होंने चुनौतियों का सामना किया और आज एक बेहतरीन पेंटर के रूप में इलाके में जाने जाते हैं। इन्होंने हाथ ना होने के बावजूद भी अपने कला का त्याग नहीं किया, लेकिन आर्थिक स्थिति भी खराब थी, लिहाजा वो कुछ समय काम करके पैसे कमाने लगे। अब भोला ना सिर्फ पेंटिंग बनाते हैं बल्कि कुछ लोगों को पेंटिंग का कला सिखाते भी हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भोला और देखिए हमारे सहयोगी दिव्यांशु की ये खास रिपोर्ट। इसी बातचीत यहाँ पर भोला मुर्मू से करना चाहेंगे। जैसे कि ये हमारा जो है बचपन में हाथ कट गया था, बिजली का शॉर्ट लगा था जी, तो डॉक्टर काट दिया जी। तो इसके बाद हमने पढ़ाई लिखाई इसी तरह पकड़ के जी किया, और मैट्रिक करके हम जो है चित्रकारी के में आए। हम देखे एक दूसरे का चित्रकारी करते हुए तो हम भी प्रयास किया कि हम भी कर सकते हैं कि नहीं। पहले तो हुआ कि हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपना पेंसिल कलम को प्रयासरत रखा जी। तो हमें सफलता मिली कि हम कर सकते हैं, लेकिन कर तो सकते हैं, फिर इसमें हमको इनकम नहीं के वजह से कभी कभी दूसरा काम में भी इनकम के लिए करना पड़ता है, जैसे माल मवेशी रखना कि दूध से हमको पैसा होगा, तो हम माल मवेशी भी रखा करते हैं। और फिर भी हम अपना पेंटिंग प्रयास, जैसे लिखावट हुआ, मतलब इनको आप इस चीज़ को छोड़े नहीं, बिल्कुल छोड़े नहीं जी, और भी कुछ करते थे ज़्यादा आमदनी के लिए, लेकिन मेन आपका यही काम रहा। ज़्यादा संभव नहीं था, लेकिन इन्होंने और भी कुछ काम किए, जैसे गायों को पालना, खेती बाड़ी थोड़ी सी, तो लेकिन पेंटिंग इन्होंने छोड़ा नहीं। आपको बता दें कि भोला मुर्मू के घर में कुल 6 लोग हैं। भोला मुर्मू, उनकी पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां। पेंटिंग के अलावा भोला परिवार का पालन पोषण करने के लिए और भी काम करते हैं, जैसे खेती, मवेशी का पालन पोषण करना। इन सब में भोला और उनके परिवार का पूरा साथ मिला। भोला के भोला मुर्मू बनने का पूरे परिवार का एक बड़ा हाथ है। पूरे परिवार ने उनको सहयोग किया और आज भोला की कहानी लोगों को प्रेरित करने के लिए काफ़ी है। हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको भोला ने कितना ज़्यादा प्रेरित किया, और अगर आप भोला की कुछ मदद करना चाहते हैं तो उनको आप इस अकाउंट नंबर पर अपनी इच्छा से मदद भी पहुंचा सकते हैं। पूरा डिटेल्स आपको इस स्क्रीन पर मिल जाएगा। बहरहाल, आप तमाम खबरों को देखने के लिए बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।